दोबारा शुरू करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अजमल सिद्दीकी उर्फ पहाड़ी। उर्फ पहाड़ी, रहते कहाँ हैं आप? औरंगी टाउन एक नंबर। मकान नंबर? सेक्टर 7 है, मकान नंबर 11, औरंगी टाउन नंबर 1। औरंगी टाउन नंबर 1। किसी सियासी पार्टी से वास्ता है? एमकेएम से। एमकेएम कौन सा? ए ग्रुप से। कब से हैं एमकेएम में? 86 में। क्या आप थे एमकेएम में? कौन सा यूनिट था आपका? 130। औरंगी टाउन तो बहुत बड़ा है ना, औरंगी टाउन में यूनिट, ये कहाँ था यूनिट आपका? ये औरंगी टाउन में एक नंबर कतर हॉस्पिटल है, ये पूरे इलाके कतर हॉस्पिटल। आपके साथ उस यूनिट में और दूसरे दीगर साथी कौन कौन से थे, तंजीमी साथी या पार्टी के साथी? पार्टी के साथी वहाँ पर असद भाई थे, नासिर था, परवेज था, नदीम भाई थे, शाहिद और दीगर साथी। और दीगर साथी आप पैदा कहाँ हुए? कराची में। ये कराची तो बहुत नाजमाबाद। नाजमाबाद कौन से नंबर में? नाजमाबाद नंबर 4। नाजमाबाद नंबर 4 में। शादी कब की आपने? 96 के। किसके कहने से आप एमकेएम में शामिल हुए थे 1996 में? एक इलाके के थे, हमसे बड़े थे असद। उसके बाद फिर आप 96 में, फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जिशान एक है पीआईबी वाला, जी जी, वो फिर अपना एक नदीम नुसरत है लंदन में, जी, उसके कहने से आप कहाँ चले गए थे? उसके कहने से मैं सिंगापुर गया था। अच्छा, वहाँ क्या किया आपने? सिंगापुर गए, सिंगापुर में जो है जिशान और मैं थे, वहाँ पर जो है नदीम नुसरत ने कोई बंदा भेजा था, जमील और जिम्मी। अच्छा, उन्होंने जो है पासपोर्ट लेके गए थे हमारा, उन्होंने वीजे और टिकट जो है वो बनवाए, और वहाँ से जो है हमारे को इंडिया के लिए जो है फ्लाइट करवाई थी। इंडिया के लिए? जी। इंडिया किस जगह? दिल्ली। दिल्ली के लिए? फिर हम दिल्ली गए, दिल्ली में जो है हम। दिल्ली कैसे गए आप? बाई प्लेन। पानी से गए, जहाज से गए? बाई प्लेन गया। फिर क्या हुआ इंडिया में, क्या हुआ वहाँ पर जब पहुंचे तो दिल्ली? दिल्ली में फिर सनी लड़का था एक, उसने रिसीव किया, वो ले गया। सनी का असल नाम क्या? नहीं, असल नाम तो नहीं पता, सनी ही कहते। अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला था? कराची का ही लग रहा था बेटा, उसको भी कराची के। नहीं, वैसे नहीं जानता था मैं, कहाँ का है क्या है, पहली दफा देखा था। अच्छा, वहाँ फिर आपको किसने रिसीव किया एयरपोर्ट पे? सनी। सनी ने फिर वो कहाँ ले गया आपको? वो फिर जो है हमारे को एक फ्लैट में ले गया दिल्ली में, वहाँ रखा था। कितने दिन रखा? तकरीबन 15 दिन हम रहे होंगे। कौन था आपके साथ? जिशान और मैं। अच्छा, फिर? फिर जो है वहाँ से हमारे को तकरीबन 4-5 घंटे के फासले पे था, बस के जरिए ले गए थे, तो जंगल का दिल्ली से दूर 4-5 घंटे, वहाँ पर जो है हमारे को ले गए थे, वहाँ कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ जो है हमारी जो है ट्रेनिंग हुई थी ना वेपन वगैरह की, और ये तो वहाँ पर 4 लड़के थे। वहाँ पर ट्रेनिंग जब हो रही थी तो वहाँ पर 4 लड़के और मौजूद थे, कहाँ के थे वो लड़के? वो कराची के थे। क्या क्या नाम थे? जफर था, शाकिर था, नूरा था और एक राजू था। नहीं, जो सारे आपने नाम बताए हैं इसका पहले पता है, नूरा कहाँ का रहने वाला? नूरा शाह फैसल। और जफर? जफर शादमान की तरफ। जफर की कैफियत? टेंशन। वो कहाँ का रहने वाला था? शादमान की तरफ। शादमान की तरफ। तीसरा कौन था? तीसरा शाकिर था। शाकिर का कोई एलियस की उर्फियत? उर्फियत वगैरह। अच्छा, वो कहाँ का रहने वाला था? वो औरंगी टाउन का था। ठीक है। और राजू? राजू का नहीं पता ना, वैसे आइडिया था नाम का बात की वजह से। तो कितने आपके अरसे की ट्रेनिंग थी आपकी? 4 घंटे, 6 महीने, 7, 2 साल, 3 साल? 1 महीने। 1 मिनट। उस ट्रेनिंग में आपको कौन इंस्ट्रक्टर वगैरह था, वो कौन था? आइडिया है कि जैसे इंडियन लोग थे ना, इंडिया में तो इंडिया के लोग होंगे, अमेरिका में फौजी फौजी थे। अच्छा, सिविल में थे। तो कोई इसका कोई लाजमी सी बात है, जब आप ट्रेनिंग कर रहे किसी का कोई नाम अभी तो ले रहा होता है ना किसी? हाँ, वैसे नाम ले रहे थे ना, जैसे एक राज था। राज? अच्छा, और रवि करके था, और शायद सलीम या ऐसे कुछ नाम था, इस तरह से था।
आपने बताया राज, रवि, सलीम, सूरज भी था? हाँ सूरज भी था। क्या आपको ट्रेनिंग में क्या सिखाया गया? वेपन की थी क्लशन को, और ये पिस्टल, ग्रेनेड, रॉकेट लॉन्चर, मशीन गन, MP3, G3, MP5, G3, इस तरह के होते हैं वेपन। मतलब क्या उसमें, मतलब क्या मतलब ट्रेनिंग, मतलब वो तो है सारे वेपन्स के आपने नाम लिए, मतलब आपको इसमें क्या मतलब कि चलाना सिखाते थे, खोलना वोलना जो रखना बने करना चलाना, इसकी रेंज के बारे में, टारगेट के बारे में, इसकी ये चीज़ें सिखाते थे। अच्छा, अब जब आप फिर उसके बाद कितने आपने बताया, एक महीने बाद ट्रेनिंग ख़त्म हो गई, फिर क्या हो गया ख़त्म होने के बाद? फिर वापस जो है सभी ने आके रिसीव किया, फिर उधर ही उसी फ्लैट में ले गए। फ्लैट कितने कमरों का था? तकरीबन 3 कमरे थे। कोई बिल्डिंग बिल्डिंग का नाम भी तो पता, फ्लैट फ्लैट नहीं बिल्डिंग हमारे यहाँ कराची में नाम यहाँ जैसे होता है ऐसे कुछ फातमा मंजिल और बिल्डिंग और ऐसा कोई नाम नहीं था ऐसा नहीं। कोई इलाके का नाम होगा जहाँ फ्लैट होगा? नहीं, वो पहली दफा था ना, मेरे को पता भी नहीं था नाम से बेटा। बाहर जब निकलते नहीं, बाहर नहीं निकलते तो दिल्ली में आप जा रहे हैं, ये पता चले कि पुराना दिल्ली में फ्लैट था, नया दिल्ली में फ्लैट था? नहीं, जैसे पोश एरिया नहीं होता इस तरह, पोश एरिया साफ एरिया था, साफ सुथरा। अच्छा, फिर उसके घर में कितना अर्सा रहा आप? किसके उस फ्लैट पे? हाँ जी, घर किसका था वो? वो तो पता नहीं किसका था, लेकिन आपने कहा ना सनी का था, सनी का। हाँ सनी ले गया था। हाँ, तो कितना अर्सा रहा उसके घर? वहाँ पर तकरीबन हम 6 महीने रहे टोटल पीरियड। 6 महीने। तो सही, आपको फिर कुछ लिटरेचर वगैरह भी ला के देता था पढ़ने के लिए? मेडिटेशन वगैरह होती है ना आपकी जो? हाँ। और किसी किस किस्म के आपको लिटरेचर वगैरह ला के देता था? वही जैसे ये नावल थे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की लिटरेचर ला के, ये मुख्तलिफ जैसे और तलवार टू के इस्लामी इंकलाब जो है ना वो लिटरेचर ला के थी। और इसके अलावा कोई और लिटरेचर नहीं थी? मतलब ये लिटरेचर नहीं था कि अगर हकूम शकूम नहीं मिले तो अल्ताफ हुसैन की जरिए के अगर कराची और सिंध के जो है बड़े बड़े शहरों को अलग करके अलग रियासत बनाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होता कि एमकेएम में ऐसा कभी नहीं होता। नहीं, मैं एमकेएम की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ना लिटरेचर ऐसा इंडिया में। जब आप मुझे एक बात बताइए, जब आप इंडिया जा रहे हैं तो क्या आपका ख्याल है कि इंडिया में आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की किताबें पढ़ाई जाएंगी? पार्टी पढ़ा रही है, पार्टी का वो है ना, इंडिया थोड़ी है बीच में। नहीं, आप इंडिया गए ना जी, तो आप मुझे एक सेंस का सवाल है ना कि इंडिया में आप जाते हैं तो ये तो आप पाकिस्तान में भी पढ़ सकते हैं, यहाँ उर्दू बाजार में बहुत सारी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की किताबें। पाकिस्तान में आपको जगह की कोई जहाँ आपको जिंदा रहने दिया जाता? नहीं, मैं जो आपसे सवाल करूँ मुझे इसका बेसिक तो समझे ना। हाँ, आप मुझे बेसिक समझा दें कि पाकिस्तान में कोई भी जगह जो है आपके छुपने की या रहने की नहीं। क्यों छुपने की? नहीं थी ना भाई जान, आप उस टाइम के वाकयात उठा लो ना, 92 के बाद क्या हुआ? चले, वो छुपने की जगह नहीं थी, हम आपकी बात भी मानते हैं। मुझे आपसे थोड़ा सा मुझे मुतमिन करें ना कि जब आप इंडिया जा रहे हैं और आप बकौल आपके कि आपने वहाँ किताबी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की और तलवार टूट गई पढ़नी है, तो ये तो आप यहाँ उर्दू लाइब्रेरियाँ हैं हमारे पास, उर्दू बाजार भरा पड़ा है बंस रोड के ऊपर दुनिया भर में, तो आप वो लिटरेचर तो घर पर बैठ के भी पढ़ सकते थे सुल्तान सलाहुद्दीन। वो इस पर नहीं था कि आपको पढ़ाई के लिए, असल तो वो था ट्रेनिंग थी। मतलब आपका कहना ये है कि ऐसा कोई वहाँ पर ये ऐसी बात नहीं है कि हकूक और इसको शहरों का अलग करके अलग रियासत बना? नहीं नहीं। अच्छा जी, अब ट्रेनिंग का जब आपको जो सिखाने का, तो क्या आपका तरीकाकार होता था, कभी आपको किस तरह से उठाया जाता था, मतलब तरीकाकार भी हमें बताएं ना। सुबह उठाते थे कितने बजे बेटा? तकरीबन अंदाजन जो है 5 बजे होंगे, यानी 4 बजे, 4:30 बजे उठाया, 5, 5:30, 6 बजे जब आप रेडी होके एक्सरसाइज वगैरह होती थी, सारी चीज होती थी, उसके बाद जो है तकरीबन 1-1.5 घंटे तो इस तरह से एक्सरसाइज वगैरह में निकलता था। 2 घंटे सुबह, मतलब अगर आप 4 बजे उठे तो 6 बजे तो 2 घंटे तो ये हो गए? नहीं नहीं, 4 बजे उठता ही नहीं, जैसे आपने फ्रेश हुए सारी चीजें ना, मतलब शुरू से शुरू 6 बजे आप उठे? 6 बजे शुरू हो जाते, 6 बजे शुरू, शुरू होने के बाद फिर आपको क्या कराते? एक्सरसाइज वगैरह कराते फिजिकली जी। उसके बाद जो है तकरीबन 2 घंटे इस तरह फारिग होते थे, उसके बाद जो है रेस्ट थोड़ा सा करके फिर क्लास होती थी वेपन के हवाले से। अच्छा, इसकी रेंज वगैरह ये वो मुख्तलिफ चीज़ें होती थी। और हफ्ते में फिर आपको 2 दिन, पता नहीं फिर आप हफ्ते में 2 दिन कोई और कोई खास भी कोई चीज़ अजीब रहे? ये अपना निशानेबाजी की रेंज को जो है निशानेबाजी की। जब ट्रेनिंग का जब आपका आखिरी जब पीरियड आया, उसमें आपको इंस्ट्रक्टर ने क्या खास तौर पर क्या चीज़ सिखाई आप?
रैकेट।